गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड सेकेंड ईयर के लिए गणित शिक्षण शास्त्र की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम गणित के पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक इकाई में पाठ्यक्रम के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पाठ्यक्रम के परिभाषा और उसका अर्थ समझा, फिर उसकी विभिन्न मनोविज्ञान की द्वारा परिभाषाएँ हम लोगों ने अध्ययन की, फिर उसके गणित के पाठ्यक्रम निर्माण के जितने सिद्धांत हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया, फिर उसके कुछ सोपान जो पद डिसाइड करते हैं पाठ्यक्रम को उसके बारे में हमने अध्ययन किया, फिर अंतिम पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था कि गणित के वर्तमान जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसमें क्या दोष पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें दो लोगों ने सुझाव दिए थे, एक तो था कोठारी आयोग और दूसरा था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जिन्होंने इनके दोषों को वर्गीकृत किया था अपने अपने लेवल पर। ठीक है, आज हमारा नया टॉपिक है कि पाठ्यक्रम के अब दोष निकाले तो उसका कुछ सुझाव भी देने पड़ेंगे। ठीक है, तो पाठ्यक्रम के दोषों को दूर करने के सुझाव हमारे पास होंगे। ठीक है, सामान्य सुझाव है, फिर एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अलग से कुछ सुझाव दिए अपने स्तर पर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम सामान्य सुझावों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रथम सुझाव क्या होता है, जो पाठ्यक्रम के लिए उद्देश्य निश्चित करते हैं या फिर गणित शिक्षण के लिए जो उद्देश्य निश्चित करते हैं वो एक तो सावधानीपूर्वक करें। ठीक है, वही उद्देश्यों का निर्धारण करें जो हम बालक में व्यवहारगत परिवर्तन साक्ष्य रूप से देख सकें। ठीक है, उसके व्यवहारिक जीवन में वो उद्देश्य काम आए, उन लक्ष्यों की प्राप्ति तक पहुँच सके और हमारे भी उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुँच सके। तो उद्देश्यों का निर्धारण हमेशा सावधानीपूर्वक करेंगे तो पाठ्यक्रम में सुधार हो सकता है, या फिर उद्देश्यों का निर्धारण करने पर एक तो बालक में भी सुधार होगा और टीचर की एबिलिटी में भी सुधार होता है। तो शिक्षण उद्देश्यों का नियमन करना और सावधानीपूर्वक उसका निर्वाह करना। ठीक है, अगला है पाठ्यक्रम का निर्माण बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, बालक की आवश्यकता, रुचियों और उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताएँ, जो भी बालक एक दूसरे से व्यक्तिगत विभिन्नता रखता है उनको ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, थर्ड है उद्देश्य का निर्माण बालक के क्रियात्मक और बालक क्रियात्मक पक्ष में होते हैं। उद्देश्य और पाठ्यक्रम और शिक्षण विद्यालय में तीन पक्ष होते हैं। एक पहला पक्ष आएगा ज्ञानात्मक, ठीक है, या ज्ञानात्मक पहला पक्ष आता है ज्ञानात्मक, दूसरा आता है भावात्मक और क्रियात्मक, तीन पक्षों में इन तीनों पक्षों को शामिल करके उद्देश्यों का निर्माण करना चाहिए। अगला है शिक्षण अधिगम सामग्री का समावेश है, जितने भी उपकरण गणित शिक्षण के लिए उपयोगी साबित होते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, रीडिंग स्किल्स हुआ और भी ज्यामितीय उपकरण हुए, प्रयोगशाला उपकरण हुए, वो उनका सभी का पाठ्यक्रम में समावेश होना चाहिए। ठीक है, उनको हम नेग्लेक्ट करके पाठ्यक्रम का निर्माण नहीं कर सकते या शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि हर बात सैद्धांतिक प्रवृत्ति से या व्याख्या विधि से या किसी भी विधि से समझाना क्या कहते हैं समझाना इम्पोर्टेंट जरूरी नहीं होता, उसको अलग विधि से खेल विधि द्वारा या उपकरण द्वारा भी समझाना पड़ता है। ठीक है, अगला है प्रायोगिक कार्यों का महत्व, गणित में प्रैक्टिकल वालों को भी महत्व देना चाहिए क्योंकि गणित खुद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जब तक बालक करके नहीं सीखेगा गणित का उसको मनोरंजन और पढ़ने में हिस्सा भी पैदा नहीं होगा। ठीक है, अगला है गणित विषय के सभी विषय भागों से स्थापित होते हैं, गणित में कई भाग आते हैं, अंकगणित आती है, बीजगणित आती है, ज्यामिति गणित आती है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आती है, ठीक है, और भी अपर लेवल में जाते हैं तो कई विभाग बढ़ जाते हैं, तो इन विभागों में एक सहसंबंध करके पाठ्यक्रम बनाना चाहिए कि अंकगणित अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसका कुछ योग, उसका कुछ यूज हमें ज्यामिति में भी होना चाहिए और बीजगणित में भी होना चाहिए, बीजगणित पढ़ रहे हैं तो हमें ज्यामिति में भी यूज होना चाहिए और अंकगणित में भी होना चाहिए, इस तरह का सहसंबंध बनकर पाठ्यक्रम तैयार होना चाहिए तभी वह सफल है। ठीक है, नेक्स्ट है मौखिक कार्य और गृह कार्य में, जैसे हम लिखित कार्य लिखित परीक्षाओं को पाठ्यक्रम में महत्व देते हैं उसी प्रकार हम मौखिक और गृह कार्य को इसमें महत्व दें तभी ये पाठ्यक्रम सुन सकते हैं। फिर पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, समय आते जैसी परिस्थितियाँ हो, बच्चों का दिमाग जैसे चलता हो, कक्षा का माहौल जैसा हो, उस तरह जिस तरह शिक्षण व्यवस्था वर्तमान के जो वर्तमान प्राकृतिक प्रादृश्य है उसके अनुसार पाठ्यक्रम को बदला जा सकता है, ऐसा लचीला रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, मूल्यांकन के लिए उचित सुझाव, मुख्य रूप से मूल्यांकन के उचित सुझाव सम्मिलित होने चाहिए। ठीक है, मूल्यांकन विधियाँ होनी चाहिए, किस
स्तर मूल्यांकन करेंगे। उपलब्धि परीक्षण होने चाहिए, उपरांत चारात्मक शिक्षण होना चाहिए। इन सभी को सम्मिलित करके एक मूल्यांकन की एक अद्भुत एक अच्छी प्रोसेस होनी चाहिए, तभी हम पाठ्यक्रम में सुधार ला सकते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थी एवं अध्यापकों के लिए स्पष्ट निर्देश होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में विषय वस्तु का संगठन तार्किक रूप में होना चाहिए, गणित तार्किक चिंतन चिंतन और क्या कहते हैं तथ्यात्मक और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो सही है कि पाठ्यक्रम का निर्माण कैसा होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, सोच समझने की शक्ति उसमें निहित होनी चाहिए, चिंतन करने का, तथ्यों पर जानकारी प्राप्त करने का, प्रायोगिक रूप से हल करने का, बच्चों में एबिलिटी विकसित होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कुछ सुझाव थे जो हम पाठ्यक्रम निर्माण में दोषों को दूर कर सकते हैं, ठीक है। अगला है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने कुछ अपनी तरफ से भी सुझाव दिए, उन सुझावों के बारे में हम बात करेंगे। उन्होंने क्या सुझाव दिया है कि पाठ्यक्रम का बालक के सामाजिक और व्यवहारिक जीवन से घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। गणित का पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि उसके सामाजिक और व्यवहारिक जीवन पर प्रकाश डालना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गणित ही ऐसा सब्जेक्ट है, मुख्य रूप से ऐसा तो सब सब्जेक्ट है इम्पोर्टेंट है सामाजिक तौर पर और व्यवहारिक तौर पर, गणित मुख्य रूप से है कि वो गणित अगर कोई कम पढ़ा लिखा भी इंसान है जो बेसिक भी स्कूली शिक्षा की है उसका भी गणित वो व्यवहारिक जीवन में अप्लाई जरूर करता है, तो गणित पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो व्यवहारिक जीवन में उसमें अप्लाई हो उससे सहसंबंध रखता हो, ठीक। नेक्स्ट है कि सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ अनुभव को भी संपूर्णता देनी चाहिए। सैद्धांतिक ज्ञान तो ही है, फॉर्मूले हैं, कई थ्योरियाँ हैं, उनको सैद्धांतिक ज्ञान देते हैं और उसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल अनुभव भी है जो हमने उस पर प्रैक्टिस की है उसके अनुभव द्वारा हमने ज्ञान प्राप्त किया उसको भी इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम का विभिन्न विषयों व दैनिक जीवन से संबंध होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग विषय से गणित का संबंध होना चाहिए, विज्ञान से तो संबंध है ही है, ठीक है, उसका फिर कला संस्कृति से भी संबंध है, भूगोल से भी संबंध है, हिस्ट्री से भी संबंध है, ठीक है, अर्थशास्त्र से संबंध है, अकाउंट से संबंध है, जिसने व्यवसाय कर देंगे संसाधन उन सबसे गणित का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संबंध जरूर रहता है, ठीक है। पाठ्यक्रम विविधतापूर्ण होना चाहिए, बहुत सारी विविधता होगी तो बालक के लिए सीखने के लिए अच्छा रहेगा, लचीला होना चाहिए, ठीक है, जो हमने पहले ही पढ़ा दिया कि लचीला किस तरह होता है। नेक्स्ट है कि विद्यार्थी की योग्यता अनुसार होना चाहिए, उसकी एबिलिटी ध्यान में रखा होना चाहिए, बाल केंद्र होना चाहिए और उसकी रचनात्मक पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये पाठ्यक्रम के जो रूल्स हमने पिछली कक्षा में निकाले थे उसके कुछ सुझाव दिए गए, सुझावों का ध्यान में रखें और आगे का अध्ययन कंटिन्यू रखें, ठीक है। तो आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे, अगली कल की कक्षा में उसके सिद्धांत पढ़ेंगे कि गणित का पाठ्यक्रम बनाते समय कौन कौन से सिद्धांतों को उसमें डालना चाहिए ताकि पाठ्यक्रम क्रियाशील बने और अच्छा बने, ठीक है। अगला अध्ययन अगली कक्षा में।